गर्मा गर्म धुत्तू रोटी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से मेरा एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी सुबह हो गया है, सुबह का बज चुका है 7:30 और आप सबको गुड मॉर्निंग। सो आज का मौसम बढ़िया है, मतलब रात में बारिश हो रहा था बट अभी नहीं हो रहा है, देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह से है। इधर हम लोग का केला का पेड़ ऐसे बढ़ जा रहा है, आंगन थोड़ा भीगा भीगा सा है। तो मुँह हाथ धो के हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं अभी नाश्ता बनाने के लिए। आज सब घर में ही है तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। और आज हम नाश्ते में बनाने वाले हैं पूरा झारखंडी पत्ता रोटी, ट्रेडिशनल नाश्ता आज बनाने वाले हैं हम, ये आप लोग से शेयर करते हैं। तो देख सकते हैं हम आ गए बारिश साइड और ये रहा मेरा हाथ में चावल, उसना का चावल है, उसमें उड़ीद मिला दिए हैं और रात में इसको भिगो के हम रख दिए थे। तो चलिए अभी इसको अच्छे से साफ करते हैं। तो इधर देख सकते हैं साफ करके आ गए हैं धो के बढ़िया से, अब इसको हम पीस लेंगे। चावल हम पीस लिए हैं, ये देखिए क्या ये बढ़िया एकदम पूरा पिसा गया है। ये है सखुआ का पत्ता, थोड़ा सा सूख गया है और ये देख सकते हैं ये बन गया है चुंगा, खोलगी बोलते हैं इसको, खोलगी चुंगा कुछ भी बोल सकते हैं। इसी में जो है ये भराएगा, वो पीस के रखे हैं सो, और इसको सिझा देंगे फिर बन जाएगा धुतू रोटी। और ये रहा बांस का खड़का, इसी से ये बन रहा है। इधर देख सकते हैं ये पीस लिए हैं और इसमें डाल देंगे अभी हम नमक, ये रहा नमक। इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो इसमें है लहसुन मिर्चा और आदि जो हम पीस लिए हैं, तो इसे भी डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग ये एक थाली जो है भर लिए हैं और इधर पानी भी है जो गर्म हो गया है, तो चलिए पानी में डाल देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं सारा हम डाल लिए हैं, हम इधर डाल दिए सारा बना के। और 15 मिनट लगेगा अब इसको बॉईल होने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, ये देखिए। और धुतू से खाने के लिए अभी हम बनाएंगे आलू का सब्जी, तो इधर आलू भी छील लिए हैं, तो चलिए एक साइड आलू का सब्जी बनाते हैं। इधर देख सकते हैं सब्जी में डाल दिए हैं पानी और इधर भी ये लग रहा है हो गया है हम लोग का धुत्तू रोटी, देखते हैं। हाँ लगभग हो गया है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। तो चलिए इसे अब हम उतार देते हैं। बहुत ज्यादा गर्म है, ये देखिए इस तरह से हम निकाल रहे हैं। गर्मा गर्म धुत्तू रोटी, तो चलिए दिखाते हैं ये खोल के। ये रहा धुतू,
तो इधर सानू का पापा खाने लग गए हैं, कैसा लग रहा है? बोलो, तारीफ करके शिकायत करो, शिकायत कर दे रहे हैं। कैसा है बताइए? बढ़िया है, सही में अच्छा लग रहा है खाने में। इधर ये लोग भी कैसा है अमन? So, देख कर ना, मेरा भी मुंह में पानी आ रहा है। तो चलते हैं अब हम भी खाने के लिए। तो इतना सारा भी बचा हुआ है गर्मा गर्म, तो चलिए हम भी खाते हैं और खा के बताते हैं कैसा है, कैसा बना है। तो इधर दो लेके जा रहे हैं मेरा कैमरा मैन के लिए, ये देखिए लीजिए, खाली कैमरा मैन के लिए है, कभी कभी का कैमरा मैन है। खा के बताइएगा ना कैसा बना है, टेस्टी रहेगा आपका बना। तो अब है मेरा बारी, ये देख सकते हैं हम लेकर आ गए हैं, ये देखिए। तो चलिए खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है धुत्तू रोटी, पिठा रोटी, पत्ता रोटी, खोलगा रोटी, झारखंडी फेमस रोटी, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, तो सानू भी आ गई मेरे साथ खाने के लिए, चलिए हम लोग खाते हैं। अच्छा लगेगा। तो इधर आ गई मेरे सानू, यहाँ पर बैठ जाओ बेटा, यहाँ पर बैठो आगे में। और देख सकते हैं आलू के सब्जी के साथ गर्मा गर्म धुत्तू रोटी। धुत्तू रोटी तो पहले सानू टेस्ट करके बताएगी कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, तीखा तो नहीं है ज्यादा। एक नंबर ना बेटा, हम एक बार खाएं। हाँ। ये गया आलू का सब्जी में और इधर मेरा मुंह में। तो ना? काफी मजा आ रहा है खाने में, बहुत टेस्टी। और ये जो रोटी होता है ना, बहुत ही हेल्दी होता है, मतलब इससे इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉईल किया हुआ रहता है, तेल ऑयल में फ्राई किया हुआ नहीं है। टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और कम समय में बन भी जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाने में बहुत ही मजा आ रहा है हमको। तो चलिए हम खाते हैं बढ़िया तरह से, खा लिए पेट भर के, बहुत ही मजा आया, पेट भी भर गया है। और अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये सब में थोड़ा सा टाइम लग गया तो नहीं बना पाए हैं, तभी जा रहे हैं अब खाना बनाने के लिए। तो आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इस ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए बाय बाय।